स्टूडेंट, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पाचन एवं अवशोषण चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसका शॉर्ट में पढ़ लिया था कि पाचन क्या होता है। फिर हम आहार नाल के बारे में पढ़ रहे थे। आहार नाल जो होती है, हमने पढ़ा था कि आहार नाल मुख से शुरू होती है, मुख में प्रारंभ होकर फिर ये क्या होती है कि गुदा द्वार में खुलती है। फिर हमने दांतों के बारे में पढ़ा था कि किस किस तरह के दांत होते हैं। फिर हमने इसका इस फॉर्मूला पढ़ा था जो है 2 1 2 3। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि जो हमारी दांतों पे इनेमल की परत लगी होती है, और फ्रेनुलम से जो हमारी जीभ होती है वो फ्रेनुलम से मुख गुहा से जुड़ी हुई होती है। इसके ऊपर छोटे छोटे पैपिला होते हैं जो कि टेस्ट बर्ड या उनको स्वाद कलिकाएँ कहते हैं, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ का टेस्ट करते हैं। मुख गुहा जो होती है, फिर उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करेंगे, आहार नाल का बाकी स्ट्रक्चर। जो मुख गुहा होती है वो छोटी सी ग्रसनी में खुलती है, जो वायु और भोजन दोनों का एक ही पथ है, वो कॉमन पाथ है, जहाँ पर वो वायु और भोजन दोनों का। फिर उसके बाद वहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है जो कि जहाँ से दोनों अलग हो जाते हैं, सांस का रास्ता और ये भोजन का रास्ता, आहार नाल जो है दोनों वहाँ पे अलग हो जाती है। उसके ऊपर ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग देखिए, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये मुख है और यहाँ पे सांस लेने के लिए नोज़ का रास्ता है, जो कि इसमें दिखाया नहीं है लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे जो ग्रसनी है जिसको फेरिंग्स बोलते हैं, दोनों का कॉमन रास्ता है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो ये सांस की नली अलग हो जाती है, फिर यहाँ वो फेफड़ों में चली जाती है श्वास नली, और ये जो है ग्रसिका, ये इसमें चली जाती है। तो यहाँ पे एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि जब हम लोग खाना चबाते हैं, घूटते की कोशिश करते हैं, तो ये ढक्कन यहाँ पे बंद हो जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे जो खाना होता है वो फेफड़ों में नहीं जा पाता। कभी कभी ऐसा होता है, अगर वो ढक्कन पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता तो हमारा जो हम लोग जो खाना खाते हैं वो सांस की नली में चला जाता है, तो उसी इसलिए हमें खांसी आती है, फौरन खांसी आने लगती है। जब खांसते हैं हम लोग तो वो जो खाना होता है वो वापस बाहर आ जाता है, इसीलिए कहते हैं खाना चढ़ गया। तो यही चीज़ होती है कि अगर वो ढक्कन एपिग्लॉटिस बंद नहीं हो पाता तो वो श्वास नली में चला जाता है। फिर है ग्रसिका के बारे में। ग्रसिका एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष और मध्यपट से होकर पश्च भाग में जे आकार के थैलीनुमा आमाशय में खुलती है। ईसोफेगस कहाँ जाके खुलता है? स्टोमक में। ये देखिए, यहाँ पे ग्रसिका बनी हुई है, ये ग्रसिका बनी हुई है और जे शेप्ड का आमाशय है। किस शेप का? जे शेप का, जो कैपिटल जे होता है इंग्लिश में, उस शेप का आमाशय होता है। तो ये बनी होती है ग्रसिका का आमाशय, एक मिनट, आमाशय में खुलना एक पेशी है। आमाशय ग्रसिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि वहाँ पे मसल की लेयर होती है, एक मसल का, एक समझ लीजिए एक ढक्कन लगा होता है जो कि नियंत्रण करता है। आमाशय गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है आमाशय? ऊपरी बाएं भाग में। उसको तीन, जो स्टमक होता है आमाशय, उसके तीन पार्ट होते हैं, जो इसका तीन पार्ट होता है, जठराम भाग, जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है, फिर फंडिस है, और उसके बाद जठर निर्गमी भाग। तो ये सबसे पहले जठरागम भाग जिसको कार्डियक कहते हैं, फिर फंडिस होता है क्षेत्र, फिर उसके बाद जठर निर्गमी जिसको पाइलोरिक बोलते हैं, फिर पाइलोरिक से ये छोटी आँत में प्रवेश करता जाता है। अगर कोई पूछे कि कैसे कैसे है तो हम बताएंगे, सबसे पहले मुख है, फिर उसके बाद मुख गुहा है, फिर उसके बाद हमारी ग्रसिका है, ग्रसिका के बाद आमाशय है, फिर छोटी आँत, फिर बड़ी आँत। तो छोटी आँत के भी तीन भाग होते हैं, सी आकार की ग्रहणी, कुंडलित मध्य भाग, और उसके बाद लंबी कुंडलित क्षुद्रांत जिसको बोलते हैं ड्यूडिनम, जिजिनम और इलियम। आमाशय का ग्रहणी में निकास जठर निर्गम अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। क्या होता है इसमें, एक मिनट में आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। देखिए, आमाशय है ये, इसके तीन पार्ट है, जहाँ पे ये ग्रसनी खुल रही है, ये उसका कार्डियक पार्ट है, फिर ये नीचे वाला फंडस है, फिर उसके बाद पाइलोरिक। फिर देखिए यहाँ पे ये देखिए छोटी आँत में प्रवेश कर रहा है, जहाँ पे स्टमक खत्म हो रहा है, फिर ये छोटी आँत में प्रवेश कर रहा है। सी शेप का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए छोटी आँत नीचे कंटिन्यू हुई है, फिर उसके बाद जैसे चारों तरफ का लूप बना हुआ है, ये बड़ी आँत है,
तो उसके बाद ये यहाँ पे गुदा द्वार है। इस तरह से हमारा जो पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर होता है होता है। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, हमने बता दिया, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में ग्रहणी कुंडलित मध्य भाग उसको बोलते हैं अग्रछुंदांत्र और लंबी कुंडलित छुद्धांत्र। आमाशय का ग्रहणी में निकास जठर निर्गम और रोधनी द्वारा होता है। जहाँ भी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ मसल का स्ट्रक्चर होता है जो एक तरह से दरवाजे का काम करता है कि उसे जाना है, कभी वो खुला होता है कभी वो बंद होता है। तो वो हमारे अपनी कंट्रोल पे, मतलब वो जिस हिसाब से खाने को अंदर जाना होता है उस हिसाब से वो उसको इंग्लिश में स्फिंक्टर बोलते हैं, तो वो खुलता बंद होता है। फिर उसके बाद जो छुद्धांत होते हैं वो बड़ी आंत में खुलती है। अभी हमने बताया कि छोटी आंत के बाद बड़ी आंत होती है जो अंधनाल, वृद्धांत और मलाशय से बनी होती है, जिसको इंग्लिश में सीकम, कोलन और रेक्टम कहते हैं। अंधनाल जो है एक छोटा सा थैला है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं, ठीक है। अंधनाल से उंगली जैसा प्रवर्ध परिकोशेशिका निकलती है जो कि अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उन्हें कहते हैं जिनका काम नहीं होता है, जैसे तो वो सिर्फ उनका स्ट्रक्चर छोटा सा रह जाता है, बाकी उनका कोई खास ऐसे अगर जिस चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं करते। हमने पहले देखा होगा कि पूंछ प्रेजेंट होती थी हमारे, मतलब जो पहले के लोग होते थे, पहले के मतलब जो आदिमानव वगैरह थे उनके पास पूंछ प्रेजेंट होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इस पूंछ का कोई उपयोग नहीं था तो वो अवशेषी अंग बन गया। तो उसी तरीके से ये होता है, एक जो हमारा ये होता है अंगुली जैसा प्रवर्ध निकला होता है कहाँ से, अंधनाल से, तो इसको कहते हैं अपेंडिक्स। कभी कभी इसी अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो आपने सुना होगा कि अपेंडिसाइटिस हो गया तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये एक अवशेषी अंग है, ठीक है। आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये कहाँ पे होगा, अगर आपके बुक में डायग्राम में प्रेजेंट है तो ये देखिए यहाँ पे अंधनाल में छोटा सा उंगली के जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, यही है अपेंडिक्स, जिसको बोलते हैं कृमि रूप परिशेषिका। ठीक है, वृद्धांत चार भागों में विभाजित होता है, आरोही, अनुप्रस्थ एवं अवरोही भाग और सिग्माप वृद्धांत। अवरोही भाग मलाशय में खुलता है जो मल द्वार एनस द्वारा बाहर खुलता है। तो सब हमने बताया आहार नाल, कोई पूछता तो आहार नाल के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो मुख हुआ, फिर ग्रसनी हुआ, फिर उसके बाद ग्रसिका यानी जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, फिर आमाशय जिसे स्टमक कहते हैं, फिर छोटी आंत जिसके तीन पार्ट होते हैं और बड़ी आंत उसके भी तीन पार्ट होते हैं, फिर मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है। जो भी हम खाना लेते हैं मुख से रास्ते लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें इन्हीं रास्तों से होता हुआ खाना गुजरता है, जिसमें वहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती है जिससे जो खाना जो भी एब्जॉर्ब करना होता है बॉडी को, जो हमारे शरीर के लिए जरूरत होती है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और जो बाकी अवशेष होता है वो मल के रास्ते बाहर निकल जाता है, मल द्वार के रास्ते। आहार नाल की दीवार जो होती है ग्रसिका से मलाशय तक, तो उसके चार स्तर होते हैं, जिसके चार मतलब चार लेयर होती है उसकी, जो उसकी दीवार होती है जो उसके चार लेयर होती है, जिसका नाम है सिरोसा, मस्कुलरिसिस और सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, बाहर से अंदर की तरफ बताया गया है। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो फिर उसके बाद सिरोसा जो है सबसे बाहरी परत है और पतली मीसो एपिथिलियम, अंतरंग अंगों की उपकला और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी हुई है। मस्कुलरिस नाम से क्लियर हो रहा है कि ये मसल की बनी हुई है, पेशियों की बनी हुई है। कुछ भागों में एक त्रियक पेशिक स्तर होता है। सब म्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका व तंत्रिका युक्त मुलायम संयोजी ऊतकों की बनी होती है। सब म्यूकोसा लेयर में क्या होता है, रुधिर होता है, लसिका होता है, तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं। फिर उसके बाद आहार नाल की जो का जो ल्यूमेन होता है उसकी सबसे भीतरी परत जो है वो म्यूकोसा है। ये स्तर आमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में अंगुलीनुमा परिवर्ध बनाता है, जिसे विलाई कहते हैं। जो म्यूकस होता है इससे ऐसे उंगली नुमा स्ट्रक्चर निकले होते हैं जो विलाई होते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन सही से हो पाता है। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं में असंख्य सूक्ष्म परिवर्ध निकले रहते हैं जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, जो जिसे ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। कैसा लगता है, ब्रश बॉर्डर जैसा। ये रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है, जैसे मैंने बताया कि ये क्या करता है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अंकुरों में कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। ये देखिए यहाँ पे लेयर दी हुई है, सबसे बाहरी लेयर जो है सिरोसा है, फिर उसके बाद सिरोसा के बाद ये है
सिरोसा, फिर ये मस्कुलरिसिस है यानी कि पेशियां बनी हुई हैं यहाँ पे, और उसके बाद है सब म्यूकोसा, उसके बाद है म्यूकोसा, और ये ल्यूमेन है यानी खाली जगह है। एक बड़ी लसिका वाहिका वेसल होती है जिसे लैक्टियल कहते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं जो स्नेहन के लिए म्यूकस का स्राव करती हैं। मीन्स म्यूकस एक तरह से चिपचिपा पदार्थ होता है, तो उसका वो हमेशा निकलता रहता है, ये लुब्रिकेशन पैदा करता है। म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लेबर कुंज प्रगुहिका यानी क्रिप्ट ऑफ लेबर कुंज भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। सभी चारों परतें आहार नाल के विभिन्न रूपों में रूपांतरण दर्शाती है, मतलब जो चारों परतें अलग अलग जगह पे रूपांतरण करती हैं। फिर है पाचन ग्रंथियाँ। कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं जो पाचन ग्रंथियाँ होती हैं? आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय शामिल है। ग्रंथियों से क्या होता है, कुछ ना कुछ निकलता रहता है, कुछ सिक्रीट होता रहता है जो कि हेल्पफुल होता है डाइजेशन के लिए। लार का निर्माण तीन जोड़ी ग्रंथियों में होता है। लार कहाँ से निकलती है? मुँह से। तो जो लार की कुछ ग्रंथियाँ होती हैं वो भी मुँह में ही होती हैं। तो कहाँ कहाँ होती है? एक तो आप देखिए, अगर कभी आप अपने गाल के अंदरूनी हिस्से पे अगर जबान लगाते हैं तो वहाँ से हमें एक पानी जैसा पदार्थ मालूम होता है कि निकल रहा है। तो एक तो गाल में स्थित होती है और निचले जबड़े में एक होती है और एक जबान के नीचे होती है। अगर जबान के नीचे भी आप देखिए तो आपको महसूस होगा कि वहाँ से कुछ पानी जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, वो लार निकलती रहती है। तो तीन लार होती हैं, तीन लार ग्रंथियाँ होती हैं, तीन जोड़ी। इन ग्रंथियों में से लार मुखगुहा में पहुँचती है। यकृत, और अगर सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिया जाए, सबसे बड़ी ग्लैंड शरीर की कौन सी होती है, तो यकृत लीवर होता है, जिसका व्यस्क में भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है, मतलब लगभग 1.5 किलो का ये होता है। ये उदर में मध्यपट के ठीक नीचे स्थित होता है। इसकी दो पालियाँ होती हैं, मीन्स दो लोब्स होते हैं इसके। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम जानते हैं जैसा कि ह्यूमन बॉडी की संरचना सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका है, वैसे ही यकृत की सबसे ये छोटी इकाई जो है वो यकृत पालिकाएं हैं। इसके अंदर जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जू की तरह व्यवस्थित रहती है। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है, यानी कि एक जो ऊतक होते हैं टिश्यू उसकी एक लेयर से ढकी होती है, जिसे ग्लिसंस कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसंस कैप्सूल से हर एक लेयर जो होती है वो ढकी हुई होती है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। जो लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उससे क्या होता है, पित्त का स्राव होता है, जिसे बाइल कहते हैं। जो यकृत देखिए, बाइल क्या होता है पहले देख लीजिए। यहाँ पे आप लोगों ने सबने सुना होगा पित्त की थैली, पित्त की थैली का ऑपरेशन सुना होगा। तो वो क्या होता है कि पित्त कभी पित्त की थैली में नहीं बनता। पित्त कहाँ बनता है? पित्त बनता है लीवर में, यकृत में बनता है, और वहाँ से निकलकर पित्त की थैली में इकट्ठा होता रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अक्सर होता है कि यहाँ पे स्टोन आ जाता है, पथरी पड़ जाती है, तो जिसकी वजह से पूरा जो ये होता है पित्त की थैली निकाल दी जाती है। पित्ताशय की नली का यकृत नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। यहाँ से देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे जो ये बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपके पित्त की थैली बनी हुई है, इसके इसी पित्त की जो पित्त की थैली होती है वो यकृत के पीछे चिपकी होती है, ऐसे नीचे थोड़ा सा दिखती है और पीछे की तरफ चिपकी होती है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे पित्ताशय लिखा है पित्त, और ये देखिए ये दोनों यकृत वाहिनियाँ यकृत से निकलती हैं और यहाँ से ये पित्ताशय से भी वाहिनी निकल रही है, फिर दोनों मिलके एक हो जाती हैं मूल पित्त वाहिनी, फिर ये जाके जो ड्यूडेनम हमारा होता है छोटी आंत का पार्ट होता है वहाँ निकलती है। तो पित्त इसी रास्ते से पित्ताशय वाहिनी से आता है, फिर मूल यकृत वाहिनी में आते हुए ड्यूडेनम में जाके पित्त गिरता है। अग्नाशय आकार की के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है जो बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों का काम करती है। ठीक है, यह स्टमक की बात कर रहा है। तो इससे क्या होता है, बहिस्त्रावी स्रावी भाग से क्षारी अग्नाशी स्राव निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतः अग्नाशय क्या होता है, सॉरी अग्नाशय जो होता है इस बोलते हैं इंग्लिश में इसको पैनक्रियाज, ये पत्ती की तरह होता है, पत्ती के शेप का होता है, और इससे इससे भी एंजाइम निकलते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि तो बहिस्रावी और अंतःस्रावी, अंतःस्रावी में इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकलता है। इंसुलिन का नाम सबने सुना होगा कि इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, जो शुगर होती है, उसका एक तरह से यूटिलाइज कराता है। तो
अगर हमारी कोशिका तभी ग्लूकोज ले पाएंगी जो हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन मौजूद हो। तो कभी कभी क्या होता है कि इंसुलिन नहीं होता है हमारी बॉडी में, तो इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, यानी कि शुगर हो जाती है। तो फिर उन्हें इंसुलिन की गोलियां अलग से दी जाती हैं या इंसुलिन के इंजेक्शन, सॉरी इंसुलिन की गोलियां नहीं दी जाती क्योंकि ये डाइजेस्ट हो जाती है स्टमक में, तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है तो आपने सुना होगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स हमारे ख़त्म हुए, अब हमें भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है ये पढ़ना है, तो हम इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।